Hi guys, what's up? Welcome back to another vlog. अपनी ड्रीम बाइक ले तो लिया, अब उसको सजाने का दिन आ गया था। आज के ब्लॉग में आप देखेंगे आपकी और मेरी फेवरेट गियर को सजते हुए। पूरी प्रॉपर मॉडिफिकेशन ब्लॉग है यार, इसमें मोटो ब्लॉग भी है और दबा के मॉडिफिकेशन, मसालेदार झक्कास ब्लॉग है। एंड तक जरूर देखना, लाइक और सब्सक्राइब मार दो यार, एंड लुक कैसा लगा एंड में जीटी का जरूर बताना। चालू करते ब्लॉग, लियो। क्या हाल चाल पब्लिक, कैसे हो सब लोग? व्हाट इज अप, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग यारो। आज इस व्लॉग में, ये पूरे व्लॉग में आप देखेंगे GT 650 की मॉडिफिकेशन। एग्जॉस्ट ऑर्डर कर दिया, कौन सा करा क्या करा, तुम्हारे ये पूरे व्लॉग में देखने मिल जाएगा यारो। तो कैसा है ना, पार्ट है ना, एक 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 दिन को डिलीवर हो रहे हैं, ऐसा एक साथ सारे पार्ट्स नहीं आ रहे यारो। तो इकट्ठा करने में अगर मैं बैठूंगा ना, सारे पार्ट इकट्ठा करूँ उसके बाद मॉडिफाई करूँ, बहुत टाइम लग जाएगा। तो जैसा जैसा पार्ट्स आ रहे वैसा वैसा मैं मॉडिफाई कराते जा रहा हूँ। तो यार इस पूरे ब्लॉग में तुम्हारे बहुत सारी चीज़ें देखने मिलेंगी, हर दिन अलग अलग दिन कस्टमाइजेशन देखने मिलेगा। बट ओवरऑल पूरा एक मिला के मैं एक ब्लॉग डालने वाला हूँ स्पेशल, ये मॉडिफिकेशन का ब्लॉग। तो आज के ब्लॉग में वही है, सिर्फ गाड़ी के मॉडिफिकेशन दिखेंगे तुम्हारे को, गाड़ी चलते हुए भी दिखेंगे जैसा अभी दिख रही। बहुत लोग बोल रहे हैं स्पीडोमीटर काम क्यों नहीं कर रहा, पिछले ब्लॉग में बहुत सारे लोग बोले कि भाई ये स्पीडोमीटर क्यों काम नहीं कर रहा। स्पीडोमीटर का जो प्लग है ना गाइस, वो प्लग कनेक्टेड नहीं है, ये कोई डिफॉल्ट इश्यू नहीं है गाड़ी का कुछ, स्पीडोमीटर का जो प्लग है वो कनेक्टेड नहीं है, इसके लिए स्पीडोमीटर काम नहीं कर रहा। तो वही कराने जा रहा हूँ अभी, वो भी ऑन हो जाएगा, स्पीडोमीटर का प्लग भी लग जाएगा। उस दिन ही लगा लेता मैं, बट उस दिन तुम्हारे मालूम है शोरूम में कांड हो गया था और मैं मंदिर के लिए लेट हो गया था, तो बहुत सारी चीज़ें एक साथ हो गई, इसके लिए मैं नहीं करा पाया। उन्हें बोला भाई पूरा गाड़ी सामने से खोलनी पड़ेगी और उसके बाद जो है सो तुम्हारा स्पीडोमीटर ऑन हो जाएगा। अरे माँ का दाद, ऑटो वाले जहाँ दिखे वहाँ घुसा देते इनको, खाली थोड़ा सा रास्ता दिखा दो पतली गली में भी डाल देते भाई, डेंजर लोग हैं। हैदराबाद के ऑटो वाले और मुंबई के ऑटो वाले सेम है रे भाई, खटा मारते भी जाते हैं, ऐसा रहता है कि माँ की कृपा हायाबुसा से कम नहीं है इनका ऑटो। ये रहे मितेश भाई हमारे मितु भाई। चलो कैसे हो, सब जबरदस्त? क्या लेना है, किसमें, इसमें उसमें, तो ये लेना है। चलो पहले शोरूम जाते, रास्ता डाल लो 18 मिनट, चलो फॉलो करता हूँ। आगे आता है पेट्रोल पंप, वहाँ पेट्रोल भरा लेंगे, टैंक फुल करा लेंगे यारो। बहुत लोग बोल रहे थे तू क्लच पकड़ के चला रहा, क्लच छोड़ दे चला देने पे। अरे यारो मैं छोड़ देता हूँ यारो, बट कैसा है ना, ग्लव्स में आदत नहीं है रे मेरे को, भी मालूम है क्लच प्लेट पकड़ के नहीं, क्लच पकड़ के नहीं चलाना, क्लच प्लेट खराब हो जाती। तो मैं वो ग्लव्स में आदत नहीं है ना उंगलियों को जरा सीधी होने की, तो इसके लिए जरा गलती से हाथ चला जाता उधर। हाँ जी दे दो माइक पर राइट, अब मैं बोलना सच्चे तो बोलती झूठे बंदी ऐसी, क्या बात है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन नवी मुंबई, क्या नया है रे भाई यहाँ पे, मुंबई तो मुंबई है, नया के पुराना है, तो ये ड्रीम सिटी बाप, कुछ भी बोलो भाई। मैं हैदराबाद तो मेरी जान है, बट इधर आके ना काम करने का स्पीड बढ़ जाता है यारो, कोई भी प्रोफेशन रहो तुम्हारा, गेमिंग रहो, जॉब रहो, भागदौड़ जो रहती ना यहाँ पे, जो भागदौड़ है ना, मेरे जैसे इंसान को बहुत मजा आता था भागना करना, टाइम टाइम पे ऐसा टाइम हो रहा जल्दी निकल, काम करना है, ये फिनिश करना है, वर्क ऐसा, वो जो एटीट्यूड इधर लोगों में है ना काम को लेके, चुम्मा श्रीमान भाई के चुम चुम चुमड़ी चुमड़ी कुछ तो बोलते भाई। शोरूम में गया था मैं एसेसरीज वगैरह सब कुछ सामान लेने, तो वहीं से सारा एसेसरीज दिया, शोरूम के ओनर से मीटिंग हुई अपनी, शोरूम के ओनर भाई अपने को उनके ऑफिस में बुलाए, हाय हेलो करे, जरा सॉरी बोले, अपने को कुछ सामान भी दिए, कुछ एक गिफ्ट दिए छोटा सा, बोलते भाई नेक्स्ट टाइम आपको ऐसा सर्विस कभी देखने नहीं मिलेगा, और उनसे ही लिया मैं सारी एसेसरीज। और एसेसरीज में अपन लिए इंजन गार्ड और सम गार्ड, सिंगल सीट काउल और सिंगल सीट, तो अभी सारा इंस्टॉल होने वाला है, स्पीडोमीटर भी चालू होने वाला है, तुमको दिखा दो। अपन आ गए अभी वर्कशॉप में, शोरूम से निकल के इसके बाद भी वर्कशॉप है, यहीं पे सर्विस वगैरह सब कुछ होता आ रही का, तुमको दिखा दो। ये अपनी प्यारी सी गाड़ी, भाई लोग पूरा अभी सेट करने वाले, यहीं पे पूरी गाड़ियों का सर्विस सब कुछ होता है, जबरदस्त। ये रहा है सिल्वर कलर का इंजन गार्ड, लार्ज साइज, साइड में ऐसा आएगा ताकि क्रैश गलती से भी नहीं होना, तो गाड़ी गए इंजन गार्ड से इंजन प्रोटेक्टेड रहता, तो अभी लगाने वाले भाई हमारे, जबरदस्त। गाड़ी का सीट निकल गई, डबल सीट निकल गई, सिंगल सीट लगने वाली है काउल के साथ। अब उसके बाद मैं क्या कराने वाला हूँ मॉडिफाई बोल दो, अब ये जो चेसिस सिंगल सीट लगने दो, उसके बाद बताता हूँ, चेसिस जो बाहर एक्स्ट्रा आती ना उसको कट करेंगे अपन, अभी नहीं करेंगे, थोड़े टाइम बाद करेंगे। सिंगल सीट रेडी हो गई काउल के साथ, और ये साइड मिरर्स मैं ऑनलाइन लिया था यार, दोनों के दोनों, ये साइड में कैसा फिट होगा मालूम, ऐसा बाहर आता है, बहुत मस्त लुक देता, बहुत क्लासी लुक देता। अभी भाई वो पूरा खोल रहे,
और इंजन गार्ड लगाने वाले भी थोड़ा एक कितना 10-15 मिनट का काम है मेरे साथ। गाड़ी चकाचक रेडी। भाई मेरे लिए कुछ सरप्राइज लेके आए बोलते। क्या सरप्राइज लेके आए? किचन है भाई आपके लिए। किचन लेके आए? ये ग्लोइंग वाला किचन है भाई, RCV। मेरे को मालूम है ये ग्लोइंग किचन इंस्टा पे कुछ एड्स नहीं आते स्टोरीज में, इसमें आया था मेरे को, उसी में से लिया। क्या बात है यार, मेरे को मिल गया कि RCV वाला लेके आया और एक आरी वाला लेके आया, जबरदस्त है। सीमान भाई के लिए BMW। रितेश भाई W इन द चैट। तो ये देखो सेटअप हो गया, सिंगल सीट कवर डल गया, इंजन गार्ड डल गया, मड गार्ड सम गार्ड जो बोलते ये डल गया, साइड के मिरर्स मैं लेके आया था ऑनलाइन ऑर्डर किया था आगे थे वो भी डल गए। तो गाड़ी एकदम अभी थोड़ा 20-30% अपना जो लुक मैं चाह रहा था वो आ गई। अभी निकालो भाई रेडी, कल गाड़ी के और एसेसरीज लेके आऊंगा। अपने भाई है, भाई आपका नाम? राम भाई। हमारे एकदम जबरदस्त काम किया है, कल भाई के पास ही आऊंगा, सारे एसेसरीज भाई लगा देंगे, टेंशन की बात नहीं है। तो अभी गाड़ी आई लुक में, क्या बोलते मितेश भाई, आई ना हल्का सा लुक में, अलग लेवल है, अलग लेवल है, कुछ भी बोलो भाई। तो पब्लिक अपना स्पीडोमीटर चालू नहीं हुआ अभी, क्यों बोलते हो? जरा लेट हो गया था रे, वो शोरूम में जो सर्विस शॉप है वो 8 बजे बंद हो जाती है, हम लोग पहुंचे 8 बजे। तो भाई लोग अपने लिए स्पेशल इंजन गार्ड लगा दिए रिक्वेस्ट पे, और सम गार्ड लगा दिए, साइड के मिरर्स लगा दिए, सिंगल सीट कॉल का सिस्टम हो गया। अब कल वापस जाऊंगा मैं 12:30 बजे के अराउंड अपना एयर फिल्टर लगाने, BMC का एयर फिल्टर लगा रहे अपन, और साथ में ये स्पीडोमीटर चालू करा देंगे और थोड़े बहुत मॉडिफिकेशन कराएंगे, वो कल तुम्हारे को मालूम पड़ेगा। अभी यहाँ से बस जरा इंजॉय मारो राइड, सिंगल सीट डल गया, सुकून में रहा यार। हाँ तो कौन सा गाना गा रहा था भाई? अपन गाना गा रहे थे कौन सा वाला? हाँ जी दे दो माइकल लाइट अप, मैं बोलना सच्चे तो बोलती झूठे, ये लिखा टॉक है ये बंदी ऐसी, गुनगुनाती गाने मेरे सुन के जैसे रट के बैठी जैसे इसकी बहन की उसकी माँ की। अभी एग्जॉस्ट भी आना बाकी है, थोड़े दिन में एग्जॉस्ट आ जाएगा। एग्जॉस्ट आने के बाद में जो मजा आएगा ये GT के साथ, पीछे टेल लाइट सेटअप होना बाकी है, कल जरा कटिंग होंगी, चेसिस की कटिंग होने वाली है कल। मेरा तो दिल नहीं दुखेगा क्यों, तो मेरे को सेटअप ही वैसा चाहिए था। बहुत लोगों का दिल दुखेगा कल ये कटिंग देख के कि भाई चेसिस कहीं को कट कराया, बट जरा कराना जरूरी था क्यों, तो मेरे को जैसा लुक होना मतलब होना। व्हाट्सअप पब्लिक, दी नेक्स्ट डे तो निकल गए अपन मितेश भाई के साथ, सेम मितेश भाई अपने खास भाई हो गए यार, मितेश भाई मेरे राइड बड़ी हो गए यार, जहाँ पे भी जाना है मितेश भाई के साथ शुरू हुआ अपनी जर्नी, गाड़ी लेके आना चार्ली और मितेश भाई के साथ। अभी चार्ली भाई अवेलेबल नहीं थे तो मितेश भाई आगे फिर से अपनी हेल्प करने, माउंट वाउंट लगाने, जरा सेटअप वेटअप करने, इनको भी कुछ खरीदना है। सबसे पहले अपन जा रहे हैं बबलू मोटर्स, वहाँ से मेरा एयर फिल्टर लेना है, BMC का एयर फिल्टर, और थोड़ा बहुत सामान लेना है, वो लेके नंबर प्लेट लेके अपन जाएंगे वर्कशॉप में फिट कराने। हैदराबाद की याद आ रही यार मेरे को, मरफा करने का मन कर रहा, 3 बार पे नाचने का मन कर रहा, ये गा रहा पट्टी मई जम्मो मई जम्मा मई सारंबो दामे मई जम्मा ओ मई जम्मो मई जम्मा मई जम्मो मई जम्मा कवर बट्टी कवर बट्टी गनागे मई जम्मा नरंबो नरंबो दामे मई जम्मा ये पुड़ुस्तुन्न पोद्दु मीद नडुस्तुन्न गानमा पोर तेलंगानमा पोर तेलंगानमा पोट्लादि प्राणमा तेलुगु गानों में अलग वाइब है यार, तेलुगु गानों में, तेलुगु गालियों में, तेलुगु बात करने में अलग वाइब है। एक ये यू जो है ना, ये हम लोगों के लिए, हैदराबादियों के लिए, तेलंगाना वाले पब्लिक के लिए इमोशन है यार, हर चीज में। कोई बोलता भाई मेरी गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप हो गया, कोई बोलता भाई मेरी गर्लफ्रेंड मंग गई, कोई बोलता भाई आज पहली बार पप्पी दिया, कोई बोलता नई गाड़ी लिया, हर चीज में ईव। को बोल रहा भाई आज अब मैं बीमार पड़ गया, किरा के यार सिस्टम, लोग तेलुगु नहीं आता ना बोल रहे हैं, क्या पागल इंसान है रे भाई, इसका दिमाग दिमाग काम नहीं करता, हाल बाल कुछ भी बोलते रहता गाड़ी चलाते हुए, ऐसे ही चाहे यारो, जब तुम लियो पे बैठते ना तुम्हारा दिमाग तुम्हारा दिल उसकी जो हैप्पीनेस है वो 199% पहुंच जाती, तुम्हारा दिल खुश हो जाता, दिल तुम्हारा लप 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 डब डब यस यस मारते रहता, तुम तुम्हारी एक्साइटमेंट, तुम तुम्हारा
खुशी कंट्रोल नहीं कर सकते, जो दिल में आता है तुम्हारा दिल बोलता है। गाड़ी पे बैठ के इंसान जब बोलता ना जो भी चीज, कोई भी बाइकर गाड़ी चलाते टाइम पे जो भी बातें कर रहा हो वो उससे दिल से कर रहा हो और वो सच होती सारी बातें। क्लासिक 350 क्या बात है, अच्छी बाइक यार, ये भी बहुत जबरदस्त है। पहला प्यार है बाइक में, सबसे पहला प्यार क्लासिक 350, उसके बाद प्यार हुआ डुकाटी V4, उसके बाद प्यार हुआ अपनी GT650। अपन लेंगे यार डुकाटी V4, कभी ना कभी तो जरूर लेंगे। नेक्स्ट मेरी बाइक डुकाटी V4 ही रहेंगे, अभी नहीं रहेंगे, बहुत टाइम है। सबसे पहले प्लान है कार लेने का एक, और तुम लोगों को मालूम है मेरे को BMW कितनी पसंद, बट BMW लेने के लिए बहुत पैसे लगते हैं। पैसे कितने, मतलब एक दो करोड़ रुपए नहीं, 1.23 CR की आती, 1.2 या 1.3 CR की आती अपनी BMW M4 कॉम्पिटिशन, अपने को वही पसंद, अपनी ड्रीम कार है। क्या बोलते भाई, सब जबरदस्त। हाँ तो वो लेंगे बाद में, उसके पहले उठाएंगे थार। GT के साथ थार का कॉम्बो खत्म है, मतलब खत्म। GT के साथ थार का कॉम्बो, फाइड और थार आते लेंगे उठाएंगे, और एक दो साल बाद BMW उठाएंगे, M4 कॉम्पिटिशन, फिर निकालेंगे डुकाटी V4 पहने के लिए आना। जबरदस्त, मिलते हैं पब्लू मोटर्स। अपन सबसे पहले ले रहे BMC का एयर फिल्टर अपनी GT650 के लिए, और एक रिंग लाइट वाला सेटअप चाहिए था मेरे को, और दो तीन सामान चाहिए थे, वो बाजू शॉप पे देखेंगे। यहाँ पे अपने मितेश भाई ग्लव्स भी देख रहे हैं, चिचा के ग्लव्स थोड़े लेफ्ट राइट हो गए, नए ग्लव्स उठा रहे, और जरा सीना लेने का भी हल्का सा मन ख्याल आ रहा है, वो ख्याल कहाँ तक जाता है वो देखो पूरा ब्लॉग। यहाँ पे बबलू मोटर से खाली अपन BMC का एयर फिल्टर लिए, बाकी बहुत सारी चीजें ऑर्डर करे, वो मालूम पड़ेगा आने वाले दिनों में। मंडे बहुत सारा सामान आने वाला है, वो क्या आने वाला है अभी नहीं बता रहा, जब आएगा तभी बताऊंगा। यहाँ से थोड़ा क्लीनिंग किट वगैरह ये सब लिया, टायर किट, चेन क्लीनिंग और हेलमेट क्लीनिंग वगैरह ये सब सामान लिया, एयर फिल्टर लिया। अभी सीधा जा रहे हैं अपन वर्कशॉप, वहाँ पे जाके चीज कट कराएंगे, टेलाइट सेटअप लगाएंगे। टेलाइट सेटअप अभी जो लगने वाला है ये वैसा नहीं रहने वाला है, चेंज होने वाला है मंडे, उसका पूरा सामान आने वाला है, इंडिकेटर वगैरह सब कुछ चेंज होगा। तो अभी यहाँ से कुछ खा के फटफट सीधा चलते वर्कशॉप। तो वी आर बैक इन द वर्कशॉप यारो, कट होने वाला है, चीज किस लगने वाला है, टेल लाइट लगेगा, ये सब हट जाएगा, और BMC का एयर फिल्टर लगने वाला है, नंबर प्लेट लगने वाला है, और थोड़े बहुत चेंजेस है वो बता दूँ धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आगे वर्कशॉप में। ये हो रहा सारा अपना सामान अपग्रेड करने का, अभी लगने वाला है, पहले हो रहा चेंज एयर फिल्टर, ओरिजिनल वाला निकल गया, अभी जाएगा BMC का, और उसके लिए ये कैप MK डिजाइन की कैप है, ये गया अपना एयर फिल्टर BMC का, ये ओरिजिनल वाला है, अंदर डाल दो, ये वाला आ जाएगा, और इसके ऊपर ये कैप लगेगी, ये लग गया यार अपना MK डिजाइन का कैप और BMC का एयर फिल्टर। ये स्पीडोमीटर का इशू आ रहा था ना यार, देखो पूरा खोलना पड़ा, ये वायर कनेक्टेड नहीं है, तो अब ये वायर कनेक्ट होगा स्पीडोमीटर चालू हो जाएगा, कर दो भाई, देखो ये प्लग लग गया, डन सी, अब स्पीडोमीटर चालू हो जाएगा, चालू भी करके देख चेक कर यार। ये माउंट निकाले अपन, ये जो माउंट है ना ये ओरिजिनल माउंट है, मेरे को मोबाइल होल्डर का जो स्टेम माउंट है ना वो अलग से मैंने मंगाया था कि सेंटर ऑफ द व्हीकल में मेरा फोन रख सकूं, उसका माउंट मैं बताता हूं इधर। अब ये जो सिल्वर वाला माउंट देख रहा था तुम, ये वाला लगेगा यहाँ पे, इसकी जगह ये लगेगा ताकि मैं फोन का सेटअप ऐसा सेंटर ऑफ द बाइक पे कर सकूं। तो ये लगने के बाद मैं तुमको देखो बता दूं, माउंट ही चेंज हो गया, सेंटर वाला माउंट चेंज कर दिए, अब ये अपना मोबाइल होल्डर की तरह काम करेगा, ये हो गया इजी सेटअप रहता है, वो हैंडल पे अलग से उठ के आता ना अच्छा नहीं दिखता। ये वाला सेटअप मैंने मंगाया था, बहुत महंगा है ये वाला सेटअप, बट है जबरदस्त, ऐसा अपना माउंट का सेटअप हो गया फोन का, एकदम जबरदस्त है, क्लीन, ज्यादा भरा भरा भी नहीं लग रहा, इसके मेरे फोन कवर में लगेगा उसका, और सीधा फोन कवर फिट हो जाएगा, सिंपल यार, सिंपल एंड एकदम परफेक्ट। ऐसा प्रॉपरली कॉन्फिगर करके काटने वाले इसको एग्जैक्टली, ताकि वो सेटअप जो है मेरा एग्जैक्टली अंदर घुस पाए प्रॉपरली टेल लाइट के साथ। टेल लाइट ये अभी ये नहीं रहने वाली गाइस, बहुत कुछ चेंज होने वाला है, अभी बस कट है कि नॉर्मल जा रहा है इसके अंदर, मैं टेल लाइट पूरी चेंज कर रहा, इंडिकेटर्स नए लाने वाला हूँ, चार नए इंडिकेटर मैंने ऑर्डर किए, और ये भी हट जाएगा इंडिकेटर, ये वाला इंडिकेटर नहीं रहेगा, चार इंडिकेटर नए ऑर्डर किए, हेडलाइट मैंने नहीं ऑर्डर किया, हेडलाइट चेंज होने वाली है, और टेल लाइट पीछे चेंज होने वाली है, और एग्जॉस्ट चेंज होने वाला है, और थोड़े बहुत चेंजेस है वो तुम्हारे ब्लॉग में मालूम पड़ेगा।
तो अपनी चेसिस की कटिंग होने वाली भाई। बहुत लोगों को ये देख के दर्द हो रहा होगा, बट मेरे को कराना था यार, सिंगल कराना ही था मेरे को, फाइनली अपन करा रहे हैं। जबरदस्त निकल गया भाई। ये ऐसा इसके अंदर जबरदस्त, ये एक नंबर कुछ इस टाइप से अभी सेटअप हुआ है। ये जो टेल लाइट है ना, ये बहुत पतली टेल लाइट है, जो मैं टेल लाइट मंगाया ना वो बहुत मोटी है, ब्रॉड है, तो क्या ये जो गैप देख रहे हैं ना उसमें पूरी वो टेल लाइट है। और अलग से इंडिकेटर्स भी लगाने वाला हूँ मैं, इसके साथ ही दो बाहर इंडिकेटर आएंगे जो एकदम बवाल लुक देगा। अभी टायर का हगर आने वाला है दोनों साइड से, वो टायर क्लोज हो जाएगा। और मोबाइल माउंट डल गया, सेंटर मोबाइल माउंट, इंस्टा 360 स्टैंड, और स्पीडोमीटर चालू हो गया, हेडलाइट चेंज होने वाली है, अभी हेडलाइट आना बाकी है। एकदम जबरदस्त है, देखो किराक भाई, अब एकदम प्रॉपर कैफे से दिख रही ना कैसी है भाई, बढ़िया। तो पब्लिक छोटी मोटी मॉडिफिकेशन करके, छोटी मोटी नहीं बोलना यार, अच्छी खासी मॉडिफिकेशन करके अपन निकल के, चेसी कट करने के बाद गाड़ी जो लुक दे रही ना भाई, लोग पलट पलट के देख रहे हैं। और वहाँ पे शोरूम में, शोरूम बोल रहे वर्कशॉप में भी कितने लोग तारीफ किए मालूम क्या भाई, की जबरदस्त करा लिए, एक नंबर करा लिए, सुकून मिल रहा। पता नहीं क्यों गाड़ी हल्की फील हो रही चेसी कट होने के बाद में, फिर पीछे से वो हट गया ना, टेल लाइट हट गया पीछे से, फिर बम्पर हट गया, तो गाड़ी है ना जरा हल्की फील हो रही और मज़ा आ रहा चलाने में भाई। बट जेन्युइनली बोल रहा हूँ भाई, ये जो बंदे थे ना शोरूम वाले, वो राम भाई और रशीद भाई, भाई दोनों बहुत जेन्युइन बंदे हैं। अगर कोई भी नवी मुंबई में रहता, रॉयल एनफील्ड का गाड़ी ओन करता, कुछ भी काम रहेगा, इनके वर्कशॉप पे आया हो, रॉयल एनफील्ड का ही वर्कशॉप है, बट ये दोनों बंदों से मिलना और मेरा नाम लेके मिलना, कसम बोल रहा हूँ बहुत अच्छे से ट्रीट किया मेरे को, बहुत बहुत अच्छे से, सुकून से काम किया, बहुत अच्छे से देख देख के काम किया मेरा, एंड बहुत जेन्युइन बंदे हैं, जेन्युइन। तो उनको भी गाड़ी पसंद आई मेरी, तो अपन खुश, अपनी जीटी खुश, अपनी लियो खुश, मैं खुश। अभी सीधा घर की तरफ निकल दूं पब्लिक, और तुम लोगों को मिलेंगे अब सीधा जिस दिन एग्जॉस्ट आएगा। पब्लिक नेक्स्ट डे अपन आ गया वर्कशॉप में, वापस सारा सामान लेके आ गया, जितना भी सामान मेरी जीटी के लिए होना था सब लेके आ गया। सबसे पहले चेंज हो रहा टायर, 130 है, सीधा लगने वाला है 150। जो भी है पूरे मॉडिफिकेशन मैं एक एक करके सब बताऊँगा, स्पार्क प्लग, ब्रेक, टायर हगर, एग्जॉस्ट कौन सा है अभी नहीं बता रहा हूँ, लगने के बाद बताऊँगा। ये डिस्क है, टायर अगर ये है, और बहुत सारे मॉडिफिकेशन है यारो पूरे, आज सब खत्म होने वाला है, आज कुछ नहीं बचने वाला है, पूरी गाड़ी चेंज हो जाएगी। सबसे पहले टायर लगाएंगे अपन, टायर निकाल दिए और देखते कैसा लगाते भाई हमारे। पेरिली के टायर है, जो लोग जानना चाह रहे हैं, पेरिली के स्कॉर्पियन रैली बोल के आता वो टायर है, ये 150 और ये सामने वाला 110। टायर चले गया सीधा मशीन में फिट होने के लिए, जो स्क्रू से करते ना वैसा नहीं, डायरेक्ट एरिया है वहाँ पे, उनका शॉप है वहाँ पे, जहाँ पे उनका टायर वाला मशीन है वहाँ पे चला गया। अभी एग्जॉस्ट नहीं कर रहा, सामने की हेडलाइट भी नहीं कर रही। यहाँ पे मैंने हेडलाइट लिया रॉयल पिस्टन की, 110 वोल्ट की एलईडी लाइट है, सर्कल वाली प्लस एक स्ट्रिप भी है, वो जब लगेगी बताता हूँ, 110 वोल्ट की है वो। अभी एग्जॉस्ट ओरिजिनल वाला अपना नहीं कर रहा है, एक बार विदाउट एग्जॉस्ट भी गाड़ी चालू करके देखेंगे साउंड कैसा आता है, और ये सब चल रहा है काम फुल आउट। एग्जॉस्ट निकाल दिया ओरिजिनल वाला, जीटी की जो स्टॉक साउंड है ओरिजिनल साउंड वो सुनते हैं। आवाज सुनो भाई, खाली आवाज सुनो, बस आवाज सुनो बस। अरे बाप रे, ओ भाई साहब, अरे वाह, कसम भाई, डेंजर भाई। यार अपना एग्जॉस्ट डलने वाला है, बैरल एटम का एग्जॉस्ट लिया मैंने, ये मेरे को गाड़ी को सूट भी करेगा, और मेरे को यही साइज चाहिए था, शॉर्ट कैन चाहिए था, देखो कितना मस्त दिखेगा अभी, जब लगेगा ना बहुत सही दिखेगा, बहुत कड़क दिखेगा। अभी विदाउट डीवी कलर लगाते इसको और देखते,
यार आप में से बहुत लोग बोलेंगे कि ये एग्जॉस्ट क्यों सेलेक्ट करा। मैं सारे एग्जॉस्ट देखा यार, मैं रेड रूस्टर देखा, मैं गुरसेविक का देखा, AEW का देखा, SS मोटोकॉप का देखा, ऑफ ट्रेल्स का देखा, डेविल एग्जॉस्ट देखा, SC प्रोजेक्ट देखा, जितने एग्जॉस्ट मार्केट में लगते सारे मैं रिव्यू करा देखा। बट मेरे को ये एग्जॉस्ट पहली नज़र में प्यार हो गया था, क्योंकि मेरे को जैसा लुक चाहिए अपनी बाइक का, शॉर्ट कैन ये सबसे बेस्ट है, और इसकी आवाज़ भी मेरे को अच्छी लगी। ज़्यादा मेरे को है ना वो पॉप एंड साउंड बैंग्स वो सब नहीं चाहिए यार, मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ दिक्कत हो जाएगी और पुलिस पकड़ ली तो दिक्कत, तो वो सब लफड़ों में नहीं पड़ना है। सिंपल अच्छा एग्जॉस्ट है, इसकी आवाज़ ऐसी नहीं कि अच्छी नहीं है, बहुत ज़बरदस्त है, अच्छी आवाज़ है यार, और लुक में भी बहुत अच्छा था। टायर के बाहर जब एग्जॉस्ट आता ना GT में, मेरे को अच्छा नहीं लगता, तो बस सुनो तुम बस। ये दल गया यार अपने बैरल आइटम के एग्जॉस्ट, अभी चालू नहीं कर रहा हूँ, टायर वायर आन दो जरा, अभी काम चल रहा। स्पार्क प्लग का वो जो किट है ना पूरा NGK का स्पार्क प्लग का पूरा किट है वो चेंज हो रहा, फिर अपना RCB का मास्टर सिलेंडर ब्रेक सिस्टम लगने वाला है वो बताता हूँ। पहले देखो ये स्पार्क प्लग किट लगने वाला है पूरा किट भाई, देखो ऐसा, ये पहले वाला था ना, ये पहले वाला, अब ये नया वाला ये लगने बराबर। ये था यार पहले वाला डे लाइट, सिंगल स्ट्रिप है, सिंगल लाइट है, मैं उसको चेंज करके डबल लाइट बनाऊँ, मोटा स्ट्रिप टेल लाइट ताकि क्लियरली विजिबल हो और अच्छा दिखता। ये ना छुप जाता कवर के अंदर, ये अच्छे से दिखेगा। ये मैंने ऑनलाइन ही मंगाया था, कौन से ब्रांड का मेरे को नहीं पता, अमेजोन से मंगाया था, ट्रू मॉड्स का है। ये अपना मास्टर सिलेंडर ब्रेक का है, इसके अंदर ब्रेक ऑयल आएगा, इसका लिवर अलग है और इसका लिवर अलग है, इसका भी मंगाना है मेरे को क्लच वाला। मेरे को मालूम नहीं था कि बॉक्स के अंदर सिर्फ ये ब्रेक वाला आता, मेरे को लगा क्लच वाला भी आएगा, बट आया नहीं, वो अलग से मंगाना पड़ेगा। कुछ इस तरीके से अपना फ्रंट टायर दिख रहा है, वो डिस्क जो है ना लग गई प्रॉपरली, बहुत अच्छे से फिट किया उन्होंने, स्क्रू जो बाहर आ रहा था उसको भी हल्का सा वेल्ड कर दिया, एंड अब दिख रही ना जरा फैट टायर, जरा फैट दिख रहा, जरा लुक आ रहा, ठीक है। एक इंसेन चेंज हो गया यार, अभी जैसा तुम देखे थे ना टायर फिट हो गया था स्पोक्स के साथ, बट अभी मेरे को पता चला कि यार वो ट्यूबलेस कर सकते टायर को, ऑलरेडी मेरा टायर ट्यूबलेस है, स्पोक्स लगाऊंगा तो फिर ट्यूब डालना पड़ेगा। तो मैकव्हील खरीदा मैंने आरी का, अभी ओरिजिनल जस्ट अभी खरीदा, खर्चा हुआ, बट अपनी गाड़ी अभी जो टायर्स अपने प्रॉपर पूरे ट्यूबलेस हो गया, इसके बारे में मेरे को नॉलेज नहीं थी। देखो ऐसा वर्कशॉप में आया, भाई ने मेरे को बताया कि अगर तुम्हारे टायर ट्यूबलेस है तो तुम स्पोक्स वाला रिम क्यों यूज़ कर रहे हैं, मैकव्हील ले लो, पूरा प्रॉपर टायर ट्यूबलेस हो जाएगा, कभी ट्रिप पे गए GT का टायर पंचर हुआ तो खत्म भाई, धक्का मार मार के वाट लग जाएंगे। तो अभी मैकव्हील खरीदा मैं आरी का ही ओरिजिनल, एक ही आता डिफॉल्ट, जो आजकल नई GT में आ रहा ना वही खरीद लिया अपन, कुछ 15-16,000 का पड़ा अपने को, और अब अपना टायर्स पूरा ट्यूबलेस हो गया, अब बेचारे को वापस पूरा टायर निकालना पड़ेगा, मैकव्हील डालना पड़ेगा, थोड़ा काम लोड बढ़ गया, बट अच्छा हुआ जो हुआ। यार नए मैकव्हील जो मैं बोल रहा था ना, अपन ट्यूबलेस कर दिया पूरा टायर को, ये नए मैकव्हील अपन आ रही के ओरिजिनल, ये नई GT में आते ना, नई GT में आते तो ये ले लिया, पर पूरा ट्यूबलेस हो गया, बेचारों का काम बढ़ गया यार, पहले पूरा टायर फिट करके आए वो, अब वापस जाना है उनको, डन ठीक है। ये रहा यार नए मैकव्हील के साथ टायर अपना, ये रियर टायर है, एकदम फैट एकदम बल्कि दिख रहा, ये नया मैकव्हील एकदम ट्यूबलेस हो गया टायर, और ज़बरदस्त ये लग गया यार अपना रियर टायर रेडी। इस पर हल्का सा ब्लैक कलर का स्प्रे होने वाला ताकि एकदम ब्लैक हो गया, बाकी टायर रेडी है, क्या फैट लुक दे रहा है भाई, देखो ना भाई सेक्सी, एक नंबर दिख रहा है भाई। एग्जॉस्ट एग्जॉस्ट के साथ मेरे को मेन यही था, एग्जॉस्ट का साइज़ ये इसलिए लिया हूँ टायर के लेवल तक आते हैं, वरना रेड रूस्टर वगैरह है ना इधर तक एग्जॉस्ट आता है, इधर बाहर आ जाता है पूरा, अच्छा नहीं दिखता भाई। ये देखो ना क्या क्लासिक का दिख रहा है, रॉकी भाई भाई, इंडिकेटर भी लग गया यार, हमारे माम भी आ गए गाड़ी चेक करने, एग्जॉस्ट सुने तुम कैसा लगा, एग्जॉस्ट बढ़िया है, सुनाएंगे भाई लोग अपने लिए ओवर टाइम में काम कर रहे हैं यार, गाड़ी रेडी हो रही है अपनी, आज कंप्लीट रेडी होके निकाल लेंगे, शुक्रिया यार। गाड़ी है कि नहीं, बट जबरदस्त है, डन यार, ऐसा अपना टेल लाइट का सेटअप है, इंडिकेटर लेफ्ट वाला खाली इंडिकेटर मारो ना, नहीं वो बंद कर दो ना, पार्किंग लाइट बंद कर, अरे वैसा लेफ्ट में, अब राइट मारो, कड़क ना भाई, कड़क दिख रहा है, जबरदस्त टेल लाइट भी मोटी हो गई अपनी, और इंडिकेटर भी बहुत जबरदस्त, डन है गाइस। विदाउट DB किलर बारह लाइटर का एग्जॉस्ट लगाया अपन, ऑलमोस्ट गाड़ी रेडी है, इसकी आवाज़ सुना रहे थे आवाज, ये रहा DB किलर,
इतना सा स्क्रू का गेम रहता है ना पूरा, फ्री फ्लो को रोक क्या करना चाहिए विद डीबी कलर विदाउट डीबी कलर? आई थिंक पहले सुनते एक बार, पहले सुनने दो है तो एग्जॉस्ट है डेंजर है लग गया ये लग गया डीबी कलर पहले था विदाउट डीबी कलर अब विद डीबी कलर कितना फर्क पड़ता है इज्जत से निकलना होगा ना, पहले दूसरे गेम में रहते तो ज्यादा आवाज, हाँ रेप पे ज्यादा हो रहा है, इज्जत से ही रहे। हाँ, कभी ट्रिप पे जाएंगे तब निकाल देंगे, सिंपल ही तो निकालना, सिंपल है। अभी के लिए डीबी कलर के साथ ही रखो, ठीक है। तो गाड़ी डन है, सब कुछ लग गया, शोरूम जलता 7:30 बजे तक, 9 बजने आगे भाई लोग फिर भी अपने लिए काम कर रहे। फॉग लैंप लग गया, पीछे की टेल लाइट लग गई, टायर लग गया, साइड प्रोफाइल देखो गाड़ी की। अभी बाहर निकल के और जरा हल्का सा एक राउंड मार के टेस्ट कर लेंगे कि क्या दिक्कत है क्या नहीं है, होपफुली कुछ भी दिक्कत ना हो। कैसी दिख रही भाई? नहीं आती और अभी कैसी है करें देखने नहीं मिलेगी ना ऐसी बवाल ना, जबरदस्त। अभी है ना फॉग लाइट का सेटअप सेट हो रहा है, उसका एंगल है ना परफेक्ट कर रहे। राम भाई बैठे हमारे, राम भाई तुम पे सूट कर रही है गाड़ी बहुत, एक नंबर भाई। हेडलाइट भी जल गई, कड़क दिख रही है भाई, एकदम कड़क दिख रही है भाई, एकदम मस्त माम। मैक्विल एग्जॉस्ट मतलब पूरा सेट हो गया अभी तो, बहुत बढ़िया। जाओ जाओ तुमको मजा आ रहा है? मजा आ रहा है, एक नंबर। लाइट दिखा दे पब्लिक को, लाइट दिखा दे। सामने वो मार रहा, फिर भी पूरा येलो येलो व्हाइट देखो। नाइस, अब नाइट ड्राइव पे चल सकता कहीं पे भी। तो पब्लिक आ गया अपन घर, कुछ ऐसी दिख रही यार अपनी जीटी। हाँ मेरी जान, इंडिकेटर्स कैसे लगे बताओ, टेल लाइट देखो, टायर देखो, कुछ ऐसी दिख रही यार। रात में उतना जस्टिस नहीं मिल रहा, बट क्रोम रात में कुछ अलग लेवल दिख रहा है। सामने से दिखा दो, सामने से देखो, फॉग लाइट्स देख लो, ये एलईडी लाइट देख लो, इंडिकेटर्स देख लो, राइट से देखें कैसी दिख रही है मेरी जीडीनी, कड़क ना भाई एकदम झक्कास दिख रही है। ओहो ये लाइट में यहाँ से अलग दिख रही है, यहाँ से कड़क दिख रही है, क्या बात है। टायर देखें कड़क ना भाई एकदम जबरदस्त। तुमको चालू करके सुनाता हूँ, ये विद डीबी कलर है, ठीक है, ये फिर डीबी किलर है। आवाज़ तो तुम लोगों ने अच्छे से सुन ली होगी, मैं डीबी किलर ही रख रहा हूँ यार, मेरा बहुत मन है विदाउट डीबी किलर रखने का, बट यार पुलिस के चक्कर मेरे को नहीं काटने भाई। बहुत अच्छा साउंड है, ज़्यादा किसी को डिस्टर्बेंस भी नहीं होगा, एंड मेरे को अपार्टमेंट वाले भी कोई दिक्कत नहीं देंगे। कैसी दिख रही भाई जान है यार ये गाड़ी, देखो ना भाई क्या दिख रही है भाई, ओ बाप रे अलग लेवल पे, अलग लेवल, मजा आ गया। That's it for the vlog guys, I hope you guys enjoyed this vlog, and आप लोगों को लियो जो अपना चेंज हो गया पूरा, उसको देख के तुम्हारे को भी खुशी हुई होंगी। और अब यहाँ से ट्रिप्स राइड सब प्लान होने वाली, हर वीक एक ट्रिप मारने वाला हूँ छोटा ट्रिप, और मोटर व्लॉग्स आएंगे इंस्टा 360 के साथ, एक अच्छे क्वालिटी के साथ और अच्छे सिनेमैटिक शॉट्स के साथ एक मस्त ट्रिप पे जाएंगे, छोटी छोटी ट्रिप्स मारेंगे। तो रेडी रहो, हर हफ्ते एक वीडियो डालेंगे मोटर व्लॉग का। और एक जो चीज़ मैंने एक्स्ट्रा अभी ऑर्डर करी है मॉडिफिकेशन में, मैं बता देता हूँ तुम लोग को। जैसा राइट में तुमने देखा था ना आरसीबी का वो मास्टर सिलेंडर ब्रेक का है, सेम क्लच वाला भी मैंने ऑर्डर कर दिया, वो 3 दिन बाद आ जाएगा, वो तो अलग से इंस्टॉल कर दूंगा। बट मोस्टली 80-90% अपनी मॉडिफिकेशन होगी, 5-10% वो तुमको पता है बाइक ले लेते तो सामान तो जो अच्छा दिखा मंगाते रहते, वैसा सिस्टम है। बट जो मेरे को लुक चाहिए था वो लुक मैंने दे दिया यार, थोड़ा अगर चेंज करूंगा टायर अगर मेरे को पसंद नहीं आया वो चेंज करूंगा, और थोड़ा छोटे मोटे चेंजेस रहेंगे वो तो आने वाले ब्लॉग्स में तुमको पता चल जाएगा।
चेक कर रहा था। तो लियो और मैं दोनों रेडी है ट्रिप्स मारने के लिए, और रेडी रहो पब्लिक, लाइक मारो यारो। देखना चाह रहा हूं मैं कितने लोग लियो से प्यार करते, कितने लोग इस व्लॉग से प्यार करते, कोई टारगेट सेट नहीं कर रहा, देखना चाह रहा हूं कितने लोग प्यार दिखाते। लाइक मारो दबा के, सब्सक्राइब मारो गाइस, 2 मिलियन जाना है यार। ऐसे धीरे 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 बोले तो भाई ये साल भी कब निकल जाएगा मालूम नहीं पड़ता भाई, साल की मिड टर्म तक 2 मिलियन जाना है। पब्लिक कराओ ना सब्सक्राइब यार, छोड़ दे तो ऐसे वीडियो देख के भाईगन, ऐसा ना को करो यारो। लाइक सब्सक्राइब मारो, इंस्टा पे भी फॉलो मारो, इंस्टा पे इतनी कड़क कड़क रील्स डालने वाला हूँ अभी जीटी की, लियो की, तो वहाँ पे भी फॉलो मारो। दैट्स इट फॉर द व्लॉग गाइस, पीस आउट, मिलते हैं अगले व्लॉग में।